चीन से तनाव के बीच रूस ने आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को शुरू कर दी है। रूस के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगायेव ने दुबई एयर शो में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति अब शुरू हो गई है और यह तय समय पर पूरी होगी। बताया जा रहा है कि भारत अपने पश्चिमी सेक्टर में इस एयर डिफेंस सिस्टम को सबसे पहले तैनात करेगा। भारत से पहले यह डिफेंस सिस्टम तुर्की और चीन की सेना में शामिल हो चुका है। यही नहीं, चीन ने तो लद्दाख में तनाव को देखते हुए इसे तिब्बत में तैनात भी कर रखा है। भारत और रूस ने साल 2018 में S-400 की आपूर्ति का समझौता किया था। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक हथियार नहीं बल्कि महाबली है। इसके सामने बड़े से बड़े दुश्मन कांपने लगते हैं। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख कर देता है। इसके सामने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला फाइटर जेट F-35 भी दुम दबाकर भाग जाता है। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें छोड़ सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं भी ले जाना बहुत ही आसान है। इसे ट्रक पर लादा जा सकता है और -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल है। इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम में चार तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रेडार बहुत ही आधुनिक है और ताकतवर है। इसका रेडार 600 किलोमीटर तक रेंज में 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। चीन के J-20 फाइटर जेट हो या पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान, यह मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका में हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइल नहीं बना सका, तब उसने S-400 जैसे सिस्टम पर काम करना शुरू किया। आज रूस के पास यह दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इस बीच S-400 के मिलने के साथ ही अब भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भी खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने कहा था कि अगर भारत इस आधुनिक रूसी डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी लेता है तो उसे काटसा जैसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि अगर भारत इस सबसे आधुनिक रूसी डिफेंस सिस्टम की कोई आपूर्ति लेता है तो उसे काटसा जैसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।